कर गए यार, एक काम करो क्वेश्चन टैब पे डाल दो यार, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैब पे जो भी तुम डाल रहे हो उसको एक एक करके मैं लेता हूँ। फाइन, ओके। तो फर्स्ट क्या है सर? कभी कभार बिटवीन प्रिपरेशन सम फैक्टर्स जस्ट क्रिएट सेल्फ डाउट एंड ओवर थिंकिंग इट बिकम ह्यूज प्रॉब्लम ड्यू टू विच माई मॉरल गॉट ग्राउंडेड, सो हाउ कैन आई टैकल इट सर? अरे अभिनव देखो, ऐसा बीच बीच में होना होता ही है, सबकी लाइफ में होता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको जो मेन गोल है उस पर फोकस रखना चाहिए। मेरे को आज भी याद है ना, मेरा एक, चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मेरे को आज भी याद है, मेरा मेरा एक टेस्ट हुआ था एक बार। मेरा हर ऑल्टरनेट संडे को टेस्ट होता था, जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था तो हर महीने में 2 बार होता था, ऑल्टरनेट संडे को हमारे उसमें होता था, ठीक है। तो संडे को हमारा टेस्ट हुआ, ठीक है, और संडे को जैसे ही टेस्ट हुआ और मैं था ड्रॉप ईयर में, मतलब मैंने ड्रॉप ले रखा था और ड्रॉप ईयर में मैं बेसिकली पढ़ाई कर रहा था। तो अब संडे को टेस्ट हुआ और संडे को इतने खराब मार्क्स आए, इतने खराब मार्क्स आए, मैंने एक दिन के लिए, एक पूरे दिन के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मतलब मैं खोल ही नहीं रहा था, कोई भी आप बाहर से आ रहा है जा रहा है ना, खटका रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है कि मतलब तू ठीक है, तूने खाना खाया? खाना भी नहीं खाया था मैंने, खाना भी मिस कर दिया मैंने, 2 टाइम का खाना खाया ही नहीं। और दिन भर मतलब मैं सोचता रहा कि यार मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, मतलब ये काफी काफी डिप्रेसिंग भी है ना, इसीलिए ये ज्यादा स्टोरी मैं आपको बताता नहीं हूँ, बट ये वाली स्टोरी ज्यादा ही कुछ डिप्रेसिंग है, ठीक है। तो एकदम से मतलब सडनली ऐसा भी हुआ था कि मैं मतलब सोचने लग गया था कि कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जब आप ड्रॉप लेते हो, है ना, जो ड्रॉपर्स है शायद वही समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। जो ड्रॉपर है उसकी फीलिंग मतलब अलग ही होती है, कि मतलब एक बार उससे नहीं हुआ और फिर उसने ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लिया तो फिर बेसिकली आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दो ना कि भाई आपने ड्रॉप ले रखा है, तो मतलब पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं कन्विंस करना पड़ता है कि मुझे ड्रॉप लेना है, और वो ड्रॉप तभी लेने देंगे जब उनको मतलब इंश्योर करोगे आपकी, हाँ यार सिलेक्शन तुम्हारा हो ही जाएगा, है ना। तो मैं मतलब पेरेंट्स को बोल चुका था एक्चुअली कि मतलब डेफिनेटली मेरा अगली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, आप बस एक चांस मुझे दे दो। अब एक चांस मांगने के बाद भी संडे को जब टेस्ट हुआ तो मेरे मार्क्स ही नहीं आए, मेरा एकदम ही मतलब मूड खराब हो गया, ठीक है, कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो इसीलिए मतलब देखो ये सब होता ही है, मतलब अगर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रही अंदर से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब तुम ही टॉपर हो, तो बेसिकली आपको जो इम्प्रूव करने के चांसेस है ना वो खत्म हो गए। आपको यहाँ पे हर दिन ऐसा लगना चाहिए कि यार अभी तो बहुत कुछ है जो सीखना है, समझ रहे हो, अभी तो बहुत कुछ है जो सीखना पड़ेगा, अभी बहुत सारी चीजें है जो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और वो ओवर द टाइम ही होगी, वो सडनली नहीं हो जाएगी, उसके लिए टाइम लगता है ना। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आपको जो अपना एंड गोल है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बीच में जितने भी टेस्ट आते हैं, बीच में यार बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जब आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, बट एक्चुअली अगर आप उन दिनों में भी कंसिस्टेंट रह जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक क्लियर कट बात बता दूं क्या, कुछ लोगों को गंदी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट एक क्लियर कट बात है।